गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। और हो गई है हमारी गुड मॉर्निंग। तो बना रही हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट। बच्चे जाएंगे स्कूल आज, और मिकी भी दो तीन दिन से स्कूल नहीं गया। उसको भी वही खांसी जुकाम सबको चल रहा है आजकल। मौसम चेंज हो रहा है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना डेली रूटीन, जो सिर्फ ये नहीं है कि मैं घर पे ही खाना बना रही हूँ, किचन में काम कर रही हूँ, जैसे कि नॉर्मली लोग सोचते हैं कि भाई चलो खाना, ये सब है हमारा डेली रूटीन। मेरा डेली रूटीन सिर्फ ये नहीं है, मेरा डेली रूटीन बहुत अलग है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज। तो देखते रहना मेरे साथ। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, अभी उठकर बस चाय वगैरह बनाई है बच्चों के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए पराठे बनाने की तैयारी कर ली है। उसके आगे की चीज़ें अभी शेयर करती हूँ आपके साथ। नहा के मिलते हैं आपसे। तो अब हम बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आ गए हैं। हम खुद ही बच्चों को ड्रॉप करते हैं स्कूल, पिक एंड ड्रॉप खुद ही से करते हैं हम। वैन या बस हमने नहीं लगाई, हम खुद से ही करते हैं। तो बच्चों को स्कूल से छोड़ के आने के बाद मैं थोड़ी देर का करती हूँ रेस्ट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है रात को लेट सोएं और सुबह तो 6:45 बजे तक उठ ही जाती हूँ, तो कई बार 1:30-2 बज जाते हैं, तो 3-4 घंटे की नींद होती है। तो मैं इस टाइम 1-2 घंटे सो जाती हूँ। कई बार सो जाती हूँ, कई बार नहीं सोती हूँ, डिपेंड करता है कि रात को अगर जल्दी सो गए तो नहीं सोती हूँ, वरना सो जाती हूँ। आज हमारे कलर देखो, ड्रेस ग्रीन तो अब मैं और डेढ़ा साहब जा रहे हैं किसी काम से बाहर, अपना ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकले हैं घर से। अभी हमें किसी काम से, ज़रूरी काम से जाना था, तो हम दोनों साथ जा रहे हैं अभी। और अभी मैं आई हूँ मार्केट, मतलब मॉल, बच्चों के लिए राखी की शॉपिंग करने, जीनी के लिए, बनी के लिए, मतलब क्या लिया है, किसके लिए क्या लिया है, वो सब आपको देखने को मिलेगा राशि के ब्लॉग में। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, कुछ अलग सा, मतलब अलग नहीं, लोग बहुत सब करते हैं बट हमारे लिए अलग है, हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं सब चीज़। तो वो आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा, राशि के ब्लॉग में, कि हमने क्या तैयारी करी है राखी के लिए। जीनी की तरफ से, मतलब जीनी कर रही है अपने भाई के लिए क्या तैयारियां, कैसे कर रही है वो राखी का सेलिब्रेशन, तो वो सब। राखी की जीनी की फर्स्ट राखी है, तो उसके लिए हम जो कुछ कर रहे हैं, तो राशि तो अभी कहीं जाती नहीं है, तो वो काम सब मुझे ही करने पड़ रहे हैं अभी, बाहर का भी ये शॉपिंग वगैरह। तो ये राखी की तैयारी हो रही है जीनी की, उसके भाइयों की, तो उसके लिए तो आपको राशि का व्लॉग देखना पड़ेगा। तो जैसे लास्ट वीडियो मैंने दिखाया था, उसमें मैंने बालों में कर्ल्स करे थे, और मुझे, अगर मैं कर्ल्स करती हूँ मेरे बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो मुझे स्पा लेना ही पड़ता है। नॉर्मली वैसे भी मैं स्पा कराती रहती हूँ, बट कर्ल्स के बाद तो मैं ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने बाल हीट से ना बहुत मेरे ड्राई हो जाते हैं, मेरे ऑलरेडी कलर से बहुत ड्राई हो चुके हैं, तो वो भी मैं करा रही हूँ स्पा अपने लिए। और इन चीज़ों का मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, मुझे अपने बालों की बहुत केयर करनी पड़ती है, ऑलरेडी बहुत ड्राई हो चुके हैं मेरे बाल। तो ये राखी की मेहंदी है, कुछ स्पेशल होगी ना? हाँ जी, है ना? अच्छा सा सुंदर सा भाई, राखी, बहन, ये सब बनेंगे इसमें, है ना? दिक्कत मत लो, बहुत प्यारी मेहंदी लगाऊंगा आपको। नहीं, दिक्कत तो मिलेगी नहीं रही बिल्कुल भी। अब आ गई है हमारी नेल्स वाली दीदी, अब हमारे नेल्स को सुंदर बना देगी। मेहंदी वाले भैया सामने आते हैं ना, नेल्स वाली दीदी सामने आ जाती है। मैं तो आ गई सामने।
क्या अच्छे से डिजाइन सोच कर आई हो कुछ बढ़िया सा? ग्लिटर वाला करेंगे कुछ। हम लोग आज न्यूड नेल पेंट के साथ, न्यूड या पिंक, ठीक है, उसमें हम ओमरे बनाएंगे आज। ठीक नेल्स भी हो गए हैं मेरे, और इस हाथ की ना पीछे की मेहंदी रह गई क्योंकि जो भैया आए थे ना उनकी हो गई थी तबीयत ख़राब, तो वो सिर्फ आगे आगे लगाए गए थे, पीछे की मैंने किसी और से लगवाई है, उनसे ही लगवाऊंगी ये वाले हाथ की पीछे की। पता नहीं भैया को क्या हो गया, एकदम से उनको थोड़ी घबराहट सी हो गई, तो फिर उन्होंने घर भेज दिया कि आप चले जाओ कोई बात नहीं। और यहाँ पर बैठी है मेरे राजी ने, उसकी मम्मा कुछ काम कर रही है, ए मेरे साथ लेट के केली केली कर ली है जीन, है जीन, देखो गंदी लड़की अच्छी है मेरी गुड्डत, हाँ अच्छी है अच्छी है, कुछ 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 अच्छा बातें करनी आती हैं, अच्छा रुक जा जीना जीना, अले ओ भैया अले अले कुछ कुछ कब 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 गुजु 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 गुजु। बनी भैया के पास जाओगे? बनी भैया से मिलने आओगे? चलें, हाँ चलो बनी भैया से मिल के आएंगे, ठीक है, खेली खेली कर लेंगे बनी भैया के साथ, ठीक है, हाँ जीनी ने हाँ बोल दी, हाँ बनी भैया के साथ खेली खेली कर लेंगे हम। अरे ओ भाई भाई, बनी के नाम पे तो एक्साइटेड हो गई गुड़िया, है पिट्टी कर देगी क्या बनी की? वो सीधा सा बेबी है हमारा, वो पिट्टी कर देगा, वो सीधा जरूर है पर वो शैतान वो भी है। बीच वाली में ना सबसे नीचे है, ठीक है, गुड नाइट बेबी शना बेबी, गुड नाइट, इतनी जल्दी कौन छोता है बिना डिनर करे वे गुड्डा, ए गुड्डा थोड़ा सा खा ले बच्चा, छोटा सा खा ले प्लीज, थोड़ा सा खाएगा है बेटा, थोड़ा सा खा लो, आपने खाना नहीं खाया गुड्डा, भूखे नहीं सोते हैं, मैं से लेटे लेटे खिला दूँ क्या, गोदी में बिठा के खिला दूँ मैं, हम क्यों थोड़ा सा थोड़ा सा। दो तीन दिन से जो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रही थी, 11 की राखी 12 की राखी कब करनी है राखी, तो फाइनली अब ये डिसाइड हो गया कि अब हम कल मतलब 11 को ही राखी कर रहे हैं। और इस चक्कर में ना मतलब चीज़ें ऐसी हो गई जल्दबाजी में कुछ का कुछ, तो नेल्स और मेहंदी सेम डे हो गए। अब वो जो भैया आए थे मेहंदी लगाने उनकी तबीयत ख़राब हो गई एकदम से, तो फिर मैंने उनको बोला कि भैया आप घर चले जाओ कोई बात नहीं, मेहंदी तो देखी जाएगी, मैं खुद लगा लूँगी जैसी लगेगी या किसी और से लगवा लूँगी। उनको बेचारों बहुत अच्छा नहीं लग रहा था उन्हें कि बीच में छोड़ के जा रहे थे, पर मैंने बोला आपकी तबीयत ठीक नहीं आप चले जाओ कोई बात नहीं, ठीक है। वो मैंने उनसे पूछा तो उनको ज़्यादा ऐसे कुछ प्रॉब्लम थी, गैस की प्रॉब्लम हुई थी उन्हें, वो पेन हो गया था उनको एकदम से, तो फिर वो चले गए। तो अब फिर ये मेहंदी पीछे वाली मेहंदी किसी और से लगवाई है, तो अब मेरे रह गए हैं ये पोरवे, ये मैं खुद से भर लूँगी अब। और अभी अब चेंज करके मैंने सोचा था ना लास्ट में जब चेंज वेंज कर लूँगी सब कुछ काम वाम करके लास्ट में, तो जब ये करूँगी तो अब सारा काम वाम सब हो गया हो जाएगा, काम ख़त्म सारा उसके बाद हम करेंगे। नहीं नहीं अभी काम ख़त्म नहीं है, सुबह की तैयारी करनी है, सुबह रुकना है एक दिन फरीदाबाद में, तो उसके हिसाब से कपड़े रखने हैं वो अभी रखने पड़ेंगे, सुबह तो बहुत काम वैसे ही हो जाना है, तो वो काम मैं भूल ही गई थी उसे अभी कर लेती हूँ, अच्छा हुआ याद आ गया, तो वो रख के उसके बाद मैं ये सोते टाइम ये कर लूँगी।
मेहंदी दिखाती हूँ सामने से। देखो देखो भाई लिखा हुआ है, सेल्फी से बनाए तो उल्टा दिख रहा है, लिखा हुआ है भाई। तो ये है मेरी मेहंदी एंड नेल्स। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।